हेलो मैथोहोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास जैकोबी पॉइसन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट समझेंगे और फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये जो थ्योरम है वो है रिलेटेड इंटीग्रल्स। ठीक है, एंड जो हमारे पास जो पॉइसन ब्रैकेट होता है उससे रिलेटेड ये थ्योरम है। अब देखो, पहले हम थ्योरम देख लेते हैं फिर इसके हम प्रूफ पर चलेंगे। इफ़ एफ एंड जी आर इंटीग्रल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के एफ और जी दोनों क्या हैं, इंटीग्रल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन होगी इंटीग्रल की। देन द पॉइजन ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी का जो पॉइजन ब्रैकेट है इज आल्सो इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनका वो मतलब जो इक्वेशंस हैं उनके लिए हमारे पास क्या होगा, एफ ओ जी का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल होगा। इतना के लिए तो जैकोबी पॉइजन थ्योरम में मेन चीज़ क्या बोली गई कि एफ, एक एफ लिया एक जी लिया, दोनों के दोनों इंटीग्रल हैं। ठीक है, इंटीग्रल का मतलब होता है दिस इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के मतलब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है कि जो मेरे पास एफ और जी है, ठीक है, इनका जो एफ और जी है इनका पॉइजन ब्रैकेट भी मेरे पास क्या हो, इंटीग्रल हो। सिर्फ ये है, इतना समझने वाली बात है कि एफ और जी मेरे पास दोनों के दोनों इंटीग्रल हैं तो मेरे पास इनका पॉइजन ब्रैकेट भी क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। दिस इज जैकोबी पॉइजन थ्योरम। देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जो कि इससे पहले मैंने आपको कराई है। अब वो थ्योरम क्या है वो चीज़ देख लेते हैं और सीधा हम उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये थ्योरम आती है तो आप पहले इस थ्योरम का प्रूफ करोगे जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, फिर देन इसका प्रूफ करोगे। ठीक है बेटा, देखो थ्योरम क्या है, पहले प्रूफ में वी विल प्रूफ जैकोबी पॉइसन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। इस थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या है, इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन दिस, ये मेरे पास फंक्शन है, टू बी इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशन के लिए इंटीग्रल बोलेंगे, इज दैट दिस इक्वल टू जीरो। तो नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब क्या है कि कहीं पर अगर मेरे पास ये फंक्शन इंटीग्रल है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, अगर कहीं पर ये चीज़ मैंने दिखा दी तो मैं बोल सकती हूँ दिस फंक्शन इज इंटीग्रल। ठीक है, और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि मेरे पास एफ ओ जी इंटीग्रल है तो मतलब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन, तो मुझे दिखाना है कि इनकी पॉइजन ब्रैकेट मेरे पास इंटीग्रल होगी, मतलब इक्वल टू जी, कोई इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी बात समझ आई बेटा? ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इस थ्योरम का हम यूज़ कैसे करेंगे बेटा, देखो अगर मेरे पास ये फंक्शन इंटीग्रल है तो ये होता है, ये है तो ये होता है। अब मुझे तो इसको क्या करना है, इंटीग्रल दिखाना है। बात समझ आई, इसको इंटीग्रल दिखाना है। तो अगर इसको मेरे को, देखो यहाँ पे अगर एफ़ को मुझे इंटीग्रल दिखाना, मैं अभी इसके लिए बोल रही हूँ, अगर एफ़ को मुझे इंटीग्रल दिखाना है तो मैं ये चीज़ दिखा दूँगी तो एफ़ मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ कह रही हूँ, कहीं पर अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं, ये दिखा दूँ तो ये लिख सकती हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ दिखा दूँ तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एफ़ मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। बट मुझे यहाँ पर दिखाना है इसको, तो एफ की जगह मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ एफ और जी का पॉइजन ब्रैकेट को। तो मुझे क्या दिखाना होगा इंटीग्रल के लिए, कि अगर मुझे इसको इंटीग्रल दिखाना है तो मैं, मुझे क्या दिखाना होगा, कर्ल अपॉन कर्ल टी, एफ की जगह हमने रख दिया दिस, प्लस एफ की जगह रख दिया दिस इक्वल टू जीरो। बात समझ आई, थ्योरम किस तरीके से यूज हुआ, थ्योरम हमारे पास किस तरीके से, कि मुझे अगर इसको इंटीग्रल दिखाना है तो अगर मैं ये चीज़ दिखा दूंगी तो बाय दिस थ्योरम ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, क्योंकि अगर कहीं पर ये है तो मैं इसको इंटीग्रल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है, मुझे इसको इंटीग्रल दिखाना है, इसको इंटीग्रल दिखाने के लिए अगर मैं ये चीज़ दिखा दूँ तो बाय दिस थ्योरम ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल।
क्लियर बेटा? ठीक है, यहाँ पे एफ था, एफ की जगह यहाँ पे मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी, एफ एंड जी का मेरे पास यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट है एफ की जगह। ठीक है, तो अब मेरा मेन टारगेट क्या है, इसको इक्वल टू 0 दिखाना। ठीक है, ये चीज़ हमें शो करनी है, क्यों शो करनी है समझ आ गया ना? अब देखो, सिंस एफ एंड जी आर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की मेरे पास ऑलरेडी एफ एंड जी इंटीग्रल दे रखे हैं। अगर ये मेरे पास इंटीग्रल हैं, इतना ध्यान देना, एफ और जी मेरे पास दोनों के दोनों इंटीग्रल है, तो बाय दिस थ्योरम मैं ये लिख सकती हूँ। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मुझे इसको इंटीग्रल दिखाना है, तो इंटीग्रल इसको अगर दिखाना हो तो मैं अगर ये चीज़ दिखा दूँ तो मेरे पास इस थ्योरम से इंटीग्रल हो जाएगा। अब ये काम तो हमारे पास फिनिश हो गया। अब हमें गिवन है कि ये मेरे पास क्या है, एफ एंड जी इंटीग्रल है, तो अगर एफ एंड जी इंटीग्रल है तो बाय दिस थ्योरम मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, कहीं पर ये है तो ये लिख दो, ये है तो ये लिख दो। अब मैं ये दिखा दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा कि ये इंटीग्रल है। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या है, एफ एन जी इंटीग्रल है, इंटीग्रल है तो बेटा मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये इंटीग्रल है तो मेरे पास कल एफ अपॉन कर्ल टी प्लस एफ और एच का जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट होगा वो इक्वल टू 0। सिमिलरली कल जी अपॉन कर्ल टी प्लस जी एंड एच का मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू 0, वही तो चीज़ हो जाएगा। एफ था यहाँ पे, ये वाला आ गया जी, एफ अगर जी के लिए बात करें तो एफ की जगह आ जाएगा यहाँ पे जी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और 3। थ्योरम का ही यूज़ किया है, कुछ नहीं किया है, प्रूफ करने के लिए भी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ गिवन है उसके लिए भी। ठीक है बेटा, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये चीज़ दिखा दूँ तो बाय दिस थ्योरम ये इंटीग्रल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें मुझे गिवन है कि एफ एंड जी मेरे पास इंटीग्रल है, अगर ये गिवन है तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, अब मेरा यहाँ पे जो मेन, इसको प्रूफ करने के लिए मेरे को इसका पता होना चाहिए, तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको फाइंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी तो होती है कर्ल अपॉन कर्ल टी। अब मेरे पास यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट फाई एंड साई, साई फाई एंड साई का जो पॉइजन ब्रैकेट, अगर ये प्रॉपर्टी है मेरे पास तो इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी, यहाँ पे साई और दिस, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है पॉइजन ब्रैकेट की, और इसको हमने थ्योरम बना के प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है बेटा, कि कल अपॉन कर्ल टी तो कैसे होता है, एक बार इसका होता है और ये एज इट इज़, फिर एक बार ये एज इट इज़ इसका हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, एफ एंड जी का मुझे पॉइजन ब्रैकेट का कल अपॉन मतलब पार्शल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं क्या करूँगी, कल एफ अपॉन कर्ल टी जी एज इट इज़ जैसे अभी कर रहे हैं, प्लस एफ एज इट इज़ फिर जी, ये पॉइजन ब्रैकेट, ये पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस एंड दिस, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना? अब देखो, यहाँ से अगर मैं कल एफ अपॉन कर्ल टी की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास ये नेगेटिव में जाके इधर आ जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट एफ एंड एच। ठीक है, एफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच। ठीक है, तो ये इधर अगर यहाँ से निकालूँ, ये देखो कल एफ अपॉन कर्ल टी अगर मैं निकालती हूँ तो माइनस में आ जाएगा दिस, तो ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली इसकी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ, इधर जाके माइनस साइन आ जाएगा दिस। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ से ध्यान से समझना बेटा, ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक है, ये भी मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट है और दिस अंदर भी पॉइजन ब्रैकेट है। ओके, क्लियर? अब देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव साइन है, ये बाहर आ जाए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, कोई भी कॉन्स्टेंट फाई और सी साई, ठीक है, अगर ये मैं लूँगी तो ये बाहर आ जाएगा और दिस ये हो जाएगा मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर -1 है तो ये -1 बाहर आ जाएगा, फाई एंड साई,
ठीक है, तो -1 बाहर आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो एफ ये चीज। इतना क्लियर हो गया बाय दिस? ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? अब देखो आगे, ये चीज मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो है मेरे पास, अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये क्या किया और ये क्या किया। देखो जब मेरे पास 5 एंड साई का पॉइजन ब्रैकेट होता है, तो इसको जब मैं पलट के लिखती हूँ, साई और फाई का पॉइजन ब्रैकेट, तो ये नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे है, ये है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ 5 एंड साई इक्वल टू नेगेटिव साइन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ साई एंड फाई। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे इसको, ये वाला मैं यहाँ पे लेके आऊँ और इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो नेगेटिव साइन आएगा। देखो यहाँ पे ये, इसकी जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पे एफ है, इसकी जगह मेरे पास है ये। ठीक है, तो जब मैं इसको पलटूंगी तो मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो वही तो चीज़ यहाँ पे की हुई है, माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस। ये बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पे भी सेम, इसकी जगह मेरे पास यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है। ठीक है, तो जब मैं इसको इस प्रॉपर्टी से करूंगी तो मेरे पास एच यहाँ पे, एफ यहाँ से। ठीक है, और माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसकी जगह ये रख दिया एच एफ का पॉइजन ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, सिर्फ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास पॉइजन आइडेंटिटी है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, पहले हम पॉइजन आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसकी हेल्प से यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो, इफ़ यू यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब मेरे पास ये क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम के ये फंक्शन है। ठीक है, तो मेरे पास दिस इक्वल टू 0। अब इसको किस तरीके से ध्यान रखना, देखो हमारे पास हमेशा यू वी डब्ल्यू की साइकिल में चलते हैं, तो यहाँ पे शुरू में लिया हुआ है यू का एंड यहाँ पे वी और डब्ल्यू का पॉइजन ब्रैकेट का, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे देख, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ यू एंड पॉइजन ब्रैकेट वी एंड डब्ल्यू, मतलब इसका और इसके पॉइजन ब्रैकेट लिया हुआ है। ठीक है, अब जब आगे साइकिल चलती है तो हम क्या करते हैं, यू को चेंज करते हैं वी में, वी को चेंज करते हैं डब्ल्यू में, और डब्ल्यू को चेंज करते हैं यू में, तो यहाँ पे मेरे पास यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी। ठीक है, वी की जगह क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह यू, प्लस फिर वी की जगह डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे यू, और यू की जगह क्या आएगा मेरे पास, वी, इक्वल टू 0। तो साइकिल इस तरीके से चला रहे हैं, यू से स्टार्ट किया, फिर वी पे पहुँचे, फिर डब्ल्यू पे पहुँच के लास्ट में, तो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो हमारे पास पॉइजन आइडेंटिटी है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमने करना है। ऐसा नहीं कि क्रैमिंग करते रहो, ये होगा फिर ये होगा ये होगा, नहीं, इस साइकिल में चलाओ, एक एक ध्यान रख लो कि ऐसे है, फिर उसकी हेल्प से ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो इसका यूज करने से पहले, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, पहले इसको इसके अकॉर्डिंग मैं रीअरेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास ये है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो ये चीज, इसको देखो यहाँ पे, अभी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी आपको बताई थी, यहाँ पे देखना बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि जब ऐसे होते हैं पॉइजन ब्रैकेट में, अगर हमें इसे इधर उधर करना हो, मतलब इसको पहले इसको बाद में, तो नेगेटिव साइन आता है। सेम वही चीज़, मुझे इसको पहले लेके जाना है, इसको बाद में, तो नेगेटिव साइन, इसको यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, अब नेगेटिव साइन आ गया, प्रॉपर्टी से ही बता रही हूँ, यहाँ भी नेगेटिव कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आगे देखते हैं, मैंने लिखा हुआ, अब इक्वेशन नंबर 5 में देखो, इक्वेशन नंबर 5 में हमने इसको रखा है, अब किस तरीके से रखा है वो चीज़ देखना बेटा। यहाँ पे मेरे पास यू वी डब्ल्यू था, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यू की जगह यहाँ पे मेरे पास देखो यू वी डब्ल्यू था, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ जी, और मेरे पास क्या है यहाँ पे, कैपिटल एच। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
तो यू की जगह मेरे पास आएगा एफ, वी की जगह आएगा जी और डब्ल्यू की जगह आ जाएगा एच। या तो आप ऐसे देख लो कि यू की जगह मैंने एफ रखना है, वी की जगह मैंने जी रखना है और डब्ल्यू की जगह मैंने कैपिटल एच रखना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो सबकी, इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 बन के आ जाएगी। ठीक है, या आपको ये चीज माइंड में सेट करनी है तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखना बेटा। सॉरी बेटा, देखो एफ जी और एच, अभी हमने वही चीज किया था कि किस तरीके से पॉइजन आइडेंटिटी को अपने माइंड में सेट करना है। पॉइजन ब्रैकेट है, पहले मेरे पास एफ आएगा, फिर यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट आएगा जी एंड एच का। ठीक है, प्लस अब हम चेंज करते चल जाएंगे, एफ की जगह मैं रखूंगी जी, जी की जगह रखूंगी एच और एच की जगह रखूंगी मैं एफ, एच की जगह एफ, ये प्लस। उसके बाद जी की जगह एच और एच की जगह मैं रखूंगी यहाँ पे एफ और एफ की जगह जी, इक्वल टू 0। यहाँ से शुरू हुए एफ से, फिर जी पे पहुँचे, फिर एच पे और इक्वल टू 0। तो देख लो आप, वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, एफ जी एच प्लस जी एच एफ प्लस एच। देखो ये सेम वही चीज़ आ रही है ना, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि आपको क्रैमिंग करनी है, आपको ये देखना है कि आपको माइंड में कैसे सेट करके रखना है। मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो मेरे पास पॉइजन आइडेंटिटी है वो इस तरीके से है। ठीक है, फिर वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया, एफ जी एच, तो एफ फिर जी एच का। ठीक है, फिर चेंज करते चले जाओ, इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे जी ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे ये पोर्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफ दिस। तो मेरे पास अगर इस पोर्शन की मुझे वैल्यू निकालनी है तो जो ये वाला पोर्शन इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस में। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से, वो इक्वेशन 7 होगी, तो मैं इसकी जगह मैं अब ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो मैंने कर दिया। वहां पे मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन था और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देखो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, मैंने कभी आपको हो कि मैच नहीं हो रहा, जी एच एफ इस तरीके से ध्यान दे लो, जी एच एफ, फिर मेरे पास एफ जी एच ऐसे, क्योंकि इतना बोलेंगे पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस, तरीका तो वही है पर माइंड में करेक्ट करने का कि सही है कि गलत है, तो हम इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब मेरे पास ये चीज़ आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो कल अपॉन कल टी, ये एज इट इज है मेरे पास। अब देखो इसमें क्या किया, वही चीज़ जो अभी मैं बोल रही थी कि मेरे पास अगर फाई और साई इस तरीके से, इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फाई एंड साई, तो अगर मुझे इसको वो करना हो आगे पीछे, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लेती हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ तो आ गई मेरे पास, इसको मुझे यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, तो ये आगे पीछे आएगी जब, तो विद नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यों आया, बात समझ आ गई ना किस तरीके से आया, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे, मेरे पास ये चीज थी। ठीक है, अब मैं इसको आगे पीछे करूँ तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। अब देखो क्या यही वो चीज है जिसको मुझे प्रूफ करना था, यस ये वही निकल के आ गया कि मेरे को ये प्रूफ करना था, इक्वल टू 0। बात समझ आई, देख लो आप एक बार, चेक कर लो बेटा, जस्ट इक्वल टू 0। जैसे ही ये प्रूफ हुआ मेरे पास, जैसे ही ये प्रूफ हुआ, तो बाय दिस थ्योरम मैं कह सकती हूँ दिस इज इंटीग्रल। बात समझ आई, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन इंटीग्रल है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, अगर मेरे पास ये कहीं पे है तो ये जो फंक्शन होगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल। तो मुझे इसको इंटीग्रल प्रूफ करना था, तो मैंने एफ की जगह ये चीज रखी, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब बाय दिस थ्योरम ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दस
पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी इज एन इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशन, इतना के लिए। और ये जो दीज इक्वेशन आ रही है ना, ये कौन सी है, ये वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, इन इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्या करना था क्या नहीं करना था। सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये दोनों मेरे पास इंटीग्रल है तो इनका पॉइजन ब्रैकेट भी मेरे पास इंटीग्रल होगा, और किन इक्वेशंस के लिए, इन इक्वेशंस के लिए, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मैंने इस थ्योरम का यूज़ किया। इस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें क्या दिखाना था कि मुझे ये वाला पोर्शन, एक मिनट बेटा, ये वाला पोर्शन मुझे इसको दिखाना था इंटीग्रल। तो अगर मैं एफ की जगह ये चीज़ रख दूंगी, अगर ये इक्वल टू शो कर दूं मैं जीरो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इंटीग्रल। तो मैंने इसकी जगह ही रखा, और अगर इसको इक्वल टू जीरो कर दिया तो मेरे पास ये बन जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, इतना क्लियर बेटा। तो इसी थ्योरम का हमने यूज़ करके ये चीज़ दिखा दी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आने तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।